So Narendra Modi government has been in power for the last 3 years. What have the government done for Kerala specifically? 13th Finance Commission का जो कालखंड था, जो टेन्योर था, वो यूपीए सरकार में था। 13th फाइनेंस कमीशन में और 14th फाइनेंस कमीशन का टेन्योर बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ। 13th फाइनेंस कमीशन में शेयरिंग सेंट्रल टैक्स फॉर केरल इज 33,368 करोड़ रुपीस इन 5 ईयर, तो 33,600 करोड़ रुपीस मिलते थे। 14th फाइनेंस कमीशन में बीजेपी सरकार ने 98,912 करोड़ रुपीस दिया, मतलब इंक्रीज ऑफ 66,000 करोड़ रुपीस, 3 टाइम इंक्रीज किया। वन सेकंड, ग्रांट इन एड्स में 5,476 करोड़ रुपीस 13th फाइनेंस कमीशन में था, जो यूपीए सरकार का कालखंड था, टाइम टेन्योर था। इन एनडीए गवर्नमेंट, इन बीजेपी गवर्नमेंट, ग्रांट इन एड में 17,968 करोड़ किए, अगेन 3 टाइम। देन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, 13th फाइनेंस कमीशन में नील थी, जीरो, बिग जीरो। 14th फाइनेंस कमीशन में रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट 9,519 करोड़, 9,519 करोड़, तो जीरो टू 9,000 करोड़। देन लोकल बॉडीज ग्रांट, फॉर लोकल बॉडीज, 13th फाइनेंस कमीशन में 2,732 करोड़ था, और 14th फाइनेंस कमीशन में इसको 7,683 करोड़ करा, लगभग 2.5 टाइम। तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट ही हमने बीजेपी सरकार आने के बाद लगभग आप मानकर चलिए 70-80-90 हजार करोड़, 90,000 करोड़ इन 5 ईयर हमने बढ़ाया। सो यू आर सेइंग दैट इन स्पाइट ऑफ कर, अभी समाप्त नहीं हुआ, अभी समाप्त नहीं हुआ, सुनिए ना, बहुत लंबी सूची है, मैं जरा बता दूं आपको। तो 90,000 करोड़ रुपीस हमने ज्यादा दिया इन 14th फाइनेंस कमीशन। एक कोची स्मार्ट सिटी के लिए 193 करोड़ दिए, 9 अमृत सिटी के लिए हमने 2,359 करोड़ रुपीस दिए, कोची मेट्रो के लिए 152 करोड़ रुपया दिया, श्री सिटी में बड़ा कारखाना लगाने का, फैक्ट्री लगाने का हमने निर्णय किया, 3.88 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड दिए, 3,632 हेक्टर प्रधानमंत्री इरिगेशन स्कीम के तहत हमने ले लिया, ब्लू रेवोल्यूशन के लिए 113 करोड़ रुपए के, शहरी क्षेत्र में अर्बन एरिया में 26,571 हाउस के लिए ग्रांट दिया, डीप वाटर सपोर्ट के लिए 2,500 रुपया अलग से लिया, रेलवे के लिए 1,206 करोड़ रुपया सिर्फ 2017 में दिया, और नेशनल हाईवे के लिए 3 साल में 64,000 करोड़ रुपया दिया। ये सबका टोटल होता है 3 साल में 1,50,000 करोड़ रुपया। आजादी से लेके 2017 तक इतनी अमाउंट कभी नहीं मिली। The BJP is treating the Kerala state very well, but what is the reaction of the Kerala government? Do they acknowledge that? Do you think वो करेंगे? लेफ्ट पार्टी का इतिहास है सच न बोलना। उनका कैरेक्टर है, so who is लेफ्ट पार्टी का कैरेक्टर है सच न बोलना, that is why they are winding up। पूरी दुनिया में धीरे धीरे समाप्त हो गए हैं, देश में भी समाप्त हो रहे हैं, और अगले चुनाव में यहाँ पर भी समाप्त हो गए।